माइंड मेकर्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं धीरज कुमार और आज हम बात करेंगे जिम्बाब्वे के द्वारा बंद किए जाने वाले लिथियम माइंस के बारे में। जिम्बाब्वे का सबसे बड़ा लिथियम माइंस डिकिता मिनरल्स, जो वर्तमान में चीन के सिनो माइंस ग्रुप के द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है, उसे अपने सभी ऑपरेशंस सस्पेंड करने पड़े हैं। बता दें कि इसके अलावा इसे मासविंगो माइंस के भी ऑपरेशंस 7 दिनों के लिए बंद करने पड़े हैं, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि इन सभी खानों से लिथियम की अवैध सप्लाई की जा रही थी। हालांकि इस बात की जानकारी इस विभाग से संबंधित सीनियर अधिकारियों ने दिया है। इंटर मिनिस्ट्रियल ऑडिट के बाद पिछले हफ्ते ही माइंस एंड माइनिंग डेवलपमेंट डिप्टी मिनिस्टर के द्वारा इस बात की पुष्टि की गई है। हालांकि सेंटर फॉर नेचुरल रिसोर्सेज गवर्नेंस के डायरेक्टर के द्वारा 2 मई को ये क्लेम किया गया था कि इन सभी लिथियम खानों से भारी मात्रा में लिथियम की लूटपाट की गई है। इसके अलावा ये भी जानकारियां दी गई हैं कि इस साइट से रोजाना 42 ट्रक लिथियम ओर्स भरकर ले जाया करते थे, जिसमें से प्रतिदिन 754 टन के लिथियम ओर्स को अवैध तरीके से सप्लाई किया जा रहा था। बता दें कि बिकिता मिनरल्स के अंतर्गत 860 वर्कर्स काम करते हैं और ये कंपनी 11 मिलियन टन लिथियम का मालिकाना हक रखता है, जिससे कि ये दुनिया का सबसे बड़ा खनिज लवणों का खान माना जाता है। बताया जाता है कि जिम्बाब्वे बीते 3 दशकों में लिथियम के सप्लाई के बदौलत अपने आर्थिक संकट की स्थिति से उबर पाया है। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन खनिज लवणों के सप्लाई के कारण ही जिम्बाब्वे का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और फाइनेंशियल संबंधित मसलों को लेकर ज्यादा दिक्कतें नहीं आया करती थी, लेकिन जब इन्हीं खनिज लवण के सप्लाई को लेकर ऑपरेशंस को सस्पेंड किया जाता है तो इसका सीधा असर जिम्बाब्वे की आर्थिक स्थिति पर भी पड़ने वाला है। इधर बिकिता मिनरल्स को नियंत्रित करने वाली चीनी कंपनी सिनो माइंस रिसोर्स ग्रुप इन सारे अवैध गतिविधियों के लिए जिम्मेवार मानी जा रही है। सूत्रों के द्वारा ये बताया जा रहा है कि चाइनीज माइनर के द्वारा बिकिता मिनरल्स में $200 मिलियन का निवेश किया गया है, ताकि ये अपने ऑपरेशंस को और एक्सपैंड कर सके। बहरहाल इस अवैध मामले को लेकर बिकिता मिनरल्स के माइंस मैनेजर के अनुसार ये बताया गया है कि फिलहाल इस मसले को सुलझाने के ऊपर काम किया जा रहा है। हालांकि इन खानों में काम करने वाले वर्कर्स के हालात भी काफी सही नहीं है, क्योंकि उन्हें निम्न स्तर की सुविधाएं दी जाती हैं, फिर चाहे उनके रहने की व्यवस्था को लेकर हो या फिर खाने पीने की व्यवस्था को लेकर। हालात इतने बुरे हैं कि कई लेबर्स वहां के सरकारी तंत्र नेशनल सोशल सिक्योरिटी अथॉरिटी के तहत रजिस्टर्ड नहीं है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।